हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। लोकसभा चुनाव करीब है, सभी दल अपनी गोटियां बिठाने में जुटे हैं। बिहार में गठबंधन ने रूप ले लिया है, वहीं यूपी में यह इतना आसान नहीं दिख रहा। यहां दो विरोधी दल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। अखिलेश की तरफ से कांग्रेस को यह स्पष्ट भी कर दिया गया है, हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी भी दोनों दलों को साधने की कोशिश जारी है। लेकिन पिछले अनुभव बताते हैं कि अखिलेश और मायावती शायद ही यूपी में राहुल गांधी का साथ पसंद करें। यूपी में कुछ दिनों पहले हुए उपचुनाव के नतीजों से उत्साहित गैर बीजेपी दलों ने साथ चुनाव लड़ने के विकल्प पर विचार तो किया, लेकिन दिन बीतने के साथ साथ उनकी एकता खत्म होती गई। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद भले ही मायावती और अखिलेश यादव ने एमपी राजस्थान में कांग्रेस के समर्थन का ऐलान कर दिया हो, लेकिन इससे लोकसभा चुनाव में साथ लड़ने की सूरत बनती नहीं दिख रही। यूपी में अखिलेश और मायावती के साथ चुनाव लड़ने की खबरें हैं, लेकिन यह गठबंधन उतना आसान नहीं दिखता। इसमें पहला पेच सीट बंटवारे पर ही फंसता दिख रहा है। मौजूदा सांसदों की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के पास एक भी सांसद नहीं है, जबकि समाजवादी पार्टी के पास 7 सांसद हैं। ऐसे में सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा कहा नहीं जा सकता। अगर पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवार के प्रदर्शन पर निगाह डालें तो बीएसपी के उम्मीदवार 34 सीट पर दूसरे स्थान पर थे, जबकि समाजवादी पार्टी 31 सीट पर दूसरे स्थान पर रही। दोनों दलों को सबसे बड़ी मुश्किल मुस्लिम बहुल इलाकों में आएगी, क्योंकि दोनों ही दल मुस्लिम मतदाता पर निर्भर है और उन्हीं के बूते अपने नैया पार लगाना चाहते हैं। पिछले चुनाव में दोनों ही दलों को अपने परंपरागत मतदाताओं का पूरा साथ नहीं मिला था। ऐसे में दोनों ही दलों का जोर इस बार मुस्लिम मतदाताओं पर ही होगा। पिछले दिनों बहुजन समाज पार्टी ने अल्पसंख्यकों को रिझाने की खूब कोशिश की है। साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में मायावती ने करीब 100 सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। ऐसे में करीब 20 सीट पर दोनों के लिए किसी फैसले पर पहुंचना चुनौती भरा होगा। अखिलेश और मायावती के गठबंधन से सबसे ज्यादा नुकसान किसी को होगा तो वो कांग्रेस को होगा। 3 राज्यों में सत्ता हासिल करने के बाद कांग्रेस का उत्साह उफान पर है। ऐसे में वो भी अपने पत्ते नहीं खोल रही है। कांग्रेस को भी पता है कि अखिलेश यादव और मायावती के साथ जाने पर उसे नाम मात्र की सीटें मिलने वाली है, इसीलिए बहुत संभव है कि वो यूपी में अकेले चुनाव लड़े। शायद अखिलेश और मायावती भी यही चाहते होंगे। अखिलेश और मायावती का गठबंधन अगर सभी मुश्किलों को पार करके चुनाव मैदान में उतरता भी है तो चुनाव नतीजों के बाद यह साथ बना रहेगा कहना मुश्किल है। फिलहाल अभी दोनों दल ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने की कोशिश करेंगी, जिससे चुनाव बाद तीसरे मोर्चे या फिर महागठबंधन से मोल भाव करने में आसानी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।